नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। अभी हम आए हैं नागपुर के बड़ी इलाके में, जहां पे दो दिन के मिनी लॉकडाउन के बाद व्यापारियों पे कितना असर पड़ा है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आइए सर, अभी दो दिन के लॉकडाउन के बाद आपके व्यापार में कितना प्रतिशत गिरावट आई है, या आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? दो दिन के लॉकडाउन के बाद करीब 50-60% तक गिरावट आई है। व्यापार में बहुत बड़ा फर्क आया है। लोगों की एंट्री भी अभी काफ़ी कम हुई है, लोगों की थोड़ी मानसिकता में भी फर्क आया है। आपको क्या लगता है, कोरोना अभी भी है दिलों में लोगों के? हाँ, लोगों के दिलों दिमाग दोनों में कोरोना बैठा हुआ है, और लोगों को आगे थोड़ा अलर्ट भी रहना पड़ेगा। प्रशासन ने ये दो दिन के मिनी लॉकडाउन लगाया है, उस पर मतलब क्या बोलना चाहेंगे आप? अच्छा किया प्रशासन ने दो दिन का लॉकडाउन लगाया, गैप आएंगी जिसमें कोरोना आगे जाके कंट्रोल हो सकता है। लोगों में भी इसमें सजगता आना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन व्यापारियों का तो नुकसान हो रहा है ना, जो छोटे मोटे जो हमारे व्यापारी है उनके तो काफ़ी नुकसान हो रहा है उनका। नुकसान थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी नुकसान हो रहा है। लोग काफ़ी बेरोजगार हो रहे हैं, और इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। लोग सजग रहेंगे तो व्यापार भी चलता रहेगा और अपन कोरोना से मात खा लेंगे। मनोज ड्रेसेस में हम आए थे, उन्होंने उनसे उनकी जानकारी के हिसाब से उन्होंने बोला है कि 50-60% उनके व्यापार में जो है गिरावट आई है। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। सैटरडे संडे के लॉकडाउन के बाद आज हम लोग बर्डी मार्केट में आए हैं, फ्रेंड शॉप में, जहाँ हम उनके बॉस से बात करेंगे कि सैटरडे संडे को जो लॉकडाउन हुआ था उसका उनके कारोबार पर क्या असर पड़ा है, और ये कहाँ तक समर्थन करते हैं इस लॉकडाउन का। नमस्कार सर, आपका धन्यवाद। मेरा नाम किशन अग्रवाल है, मैं फ्रेंड्स का संचालक हूँ। सैटरडे संडे जो लॉकडाउन किया उसमें हमारे लॉकडाउन से कोई हमारे को बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं थी, पर लॉकडाउन करने के पहले जो उन्होंने हवा बना दिया बाजार के अंदर कि कोरोना बहुत बड़ा ज़्यादा ब्लास्ट हो गया और बर्डी में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बर्डी के अंदर ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बर्डी के अंदर ही बहुत ज़्यादा पब्लिक है, तो उससे हमारा पूरा बाज़ार एकदम क्या बोलेंगे उसको, ठंडा पड़ गया। आज बाज़ार की पोजीशन ऐसी हो गई है कि बाज़ार के अंदर सिंगल ग्राहक भी नहीं है। आज सुबह 10 बजे से हमने शॉप खोल के रखा है, हमारे पास कोई कस्टमर नहीं है आज की तारीख। तो इस टाइप से अगर चलेंगे तो हम लोगों ने व्यापार कैसे करना? क्यों शासन स्कूल को खोला, क्यों शासन ने कॉलेज को खोला, क्यों शासन ने बाकी एक्टिविटीज़ को खोला? जब आपको मालूम है कोरोना हमारे देश में अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ है, खुला ही नहीं था। फिर आपने 4 दिन स्कूल खोल दिया, 4 दिन कॉलेज खोल दिया, फिर उसको बंद कर दिया। ना पब्लिक को विश्वास हो रहा है, ना दुकानदार को विश्वास हो रहा है, ना आम जनता को विश्वास हो रहा है। आपकी वैक्सीन आ गई, वैक्सीन लगाने पर ध्यान नहीं दे रहे आप। अभी तक वैक्सीन आके आज 1.5 महीना हो गया, 90 लाख लोगों को लगी, 90 लाख लोगों को लगी है वैक्सीन। इस तरह से किस कब तक चलेंगे हम? आज इतना बड़ा स्टाफ लेके बैठे, आज इतनी बड़ी दुकान लेके बैठे, आज पूरे खर्चे लागू है हमारे को, हमको तो कुछ समझ नहीं आता कि आगे हमने काम कैसे करना और किस ढंग से करना। आज बम्बई के अंदर लॉकडाउन नहीं हुआ, खाली नागपुरी में लॉकडाउन करना बहुत जरूरी था क्या अपने को? और जो नागपुर के अंदर पहला इन्होंने अच्छा लॉकडाउन भी कैसा करते हैं कि पब्लिक ज़्यादा उसके अंदर में उत्तेजित नहीं हो, मतलब गुस्से में नहीं आवे। पहले तो बोले चलो ठीक है यार, 7 तारीख तक लॉकडाउन है, हम भी मान गए यार चलो जाने दो, 7 तारीख तक लॉकडाउन है, वो उठा के मार्च तक कर दिया आपने। आने टाइम में ऐसा हो जाएंगे कि अप्रैल पूरा लॉकडाउन, मई पूरा लॉकडाउन, कोई भरोसा ही नहीं है हमारा। हमने मॉल के ऑर्डर दिए, कपड़ों के ऑर्डर दिए, वो सबको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, भैया रोक दो। अभी हमारे पास वापस परिस्थिति ऐसी आ गई है कि गवर्नमेंट का कुछ भी हमारे को क्लियर नहीं हो रहा कि कब लॉकडाउन होगा, कब खुलेगा। ये सीजन जैसे कि शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, जबकि सबको पता है कि आने वाले टाइम में कपड़ों की बिक्री होगी, हर चीज़ की बिक्री होगी, इसमें तो व्यापारियों का पूरी तरीके से लॉस ही है, क्योंकि स्टॉक भर के रखा है, ऑर्डर किया हुआ, पूरा ऑर्डर किया हुआ है, पूरा स्टॉक वहाँ से निकल चुका है। हाँ। उसके बाद में सैटरडे और संडे बंद रखना है हमारे को, जो कि वो पब्लिक बाहर निकलती है, दो दिन छुट्टी का दिन रहता है, उस दिन पब्लिक बाहर निकलती है। पर वो 2 दिन बाहर निकलने के पहले इस टाइप से मार्केट में हुआ बन गया है कि यहाँ पे कोरोना बहुत ज़्यादा है, पब्लिक ही नहीं आ रही, वो 2 दिन के पहले भी नहीं आ रही। शादी ब्याह वाले भी क्या करेंगे, उनके पूरे मैरिज हॉल बंद हो गए, जहाँ जहाँ लॉन थे वो सब बंद हो गए, तो उन लोगों का भी क्या है, कैसा शादी करेंगे उन लोग?
कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये सरकार की या प्रशासन की सोची समझी साजिश है, क्योंकि मार्केट तो मार्केट बंद है लेकिन लापरवाही पक्की है। साजिश के बारे में तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे, पर लापरवाही पक्की है। आज बोलते हैं फुटपाथ के अंदर में जो लोग दुकान लगा रहे हैं उनको लगने नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ के फुटपाथ को देख लो, पूरे फुटपाथ भरे हुए, वहाँ पे कोरोना नहीं फैलता उनके, वहाँ पे बिना मास्क के लोग बैठे रहेंगे उनको कोई कोरोना नहीं फैलता। दुकानदार के अंदर ही दुकान में जब ग्राहक आएगा, दुकानदार पूरा प्रिकॉशन ले रहा है, सैनिटाइज कर रहा है, टेम्परेचर ले रहा है, सब चीज़ का प्रिकॉशन ले रहा है, तो वहीं पर कोरोना फैल रहा है क्या? सफाई भी पूरी कर रहा है, फुटपाथ पे क्या हो रहा है? छोटे मोटे व्यापारी है उनको संडे को भी चालू है फुटपाथ 25% गली कुचे में। शासन वहाँ ध्यान नहीं देता क्योंकि उनके पास से कुछ निकलने वाला नहीं है। उनका चलान करेंगे तो चलान पैसे भरने की ताकत नहीं है, बोलेगा माल ले जाओ मेरा, क्या करेंगे माल ले जाके वहाँ से। छोटे मोटे दुकान मार्केट मॉल्स तो बंद कर दिए, लेकिन सैटरडे संडे को सुनने में आया है कि जैसे कि वाइन शॉप्स हो गए, दारू की दुकानें, वो तो चालू ही थी, इसके ऊपर हमका कुछ कहना है? गवर्नमेंट किसी से इनकम है मैडम, पेट्रोल भी बंद कर देंगे गवर्नमेंट और वाइन बंद कर देंगे तो गवर्नमेंट के पास मिलेंगे क्या? और दिन ब दिन ये जो पेट्रोल डीजल के जो रेट बढ़ रहे हैं, गैस के रेट बढ़ रहे हैं, पैदल चलना है मैडम आपको? हमको तो चलना ही चलना है, आपको भी साथ में पैदल चलना है। लेकिन ऐसा क्यों, क्या लगता है? गवर्नमेंट के पास फंड ही नहीं है मैडम, फंड्स वहीं से ले रही है गवर्नमेंट, जहाँ से जितने टैक्स निकलने हैं, पेट्रोल डीजल बेच बेच के निकलना है। पेट्रोल डीजल एक ऐसी चीज़ है कि आम जनता को पूरा लगना ही लगना है। आज किसी के घर पे पहले साइकिल होती थी, उसके पास स्कूटर पक्की, जिसके पास स्कूटर थी उसके पास कार पक्का है, सबको पेट्रोल की नीड है। आज आज घर के अंदर जितने व्यक्ति उतनी गाड़ियाँ होती हैं, गवर्नमेंट को एक रास्ता निकला हुआ है कि यहाँ से अपने को पैसे मिल सकते हैं बस। अचानक कोरोना केसेस का कम हो जाना और अब एकदम से बोल देना कि कोरोना बढ़ गया, ये पूरी साजिश है, पूरी साजिश। कहीं ना कहीं ये किसानों को लेकर भी की गई सोची समझी साजिश है। नहीं मैडम, राजनीतिक बातों में हम टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। आप एक आम नागरिक हो, उसके ऊपर तो आप कुछ टिप्पणी कर सकते, क्योंकि किसान हमारे देश का किसान है। आम नागरिक के अंदर में मैडम ऐसा है कि आज व्यापारी इतने 1.5 साल हो गया, आज पूरा हमारे को 1.5 साल से आपको सपोर्ट ही करते आ रहा है। हाँ, गवर्नमेंट को सपोर्ट ही कर रहे हैं हम, किसी चीज के लिए मना नहीं कर रहे। ठीक है, आज देश पे संकट आया है तो हम पहले खड़े हैं। हमने जब पहला संकट आया था उस टाइम में अनाज भी बांटा है, राशन भी खूब बांटे हमने, अनाज खूब बांटा हमने, अपना सब्जी पूड़ी खूब बांटा हमने, पूरे 1.5 महीने तक लॉकडाउन में बांटते रहे हम लोगों ने। हमको लगा देश में संकट आया, पर ऐसा संकट अब नहीं, बार बार संकट आ रहा है, 1.5 साल तक संकट ही संकट है। बाकी देश बाहर निकल रहे हैं, अपना देश क्यों बाहर नहीं निकल रहा है? अपने देश के पास वैक्सीन बन के तैयार है। आज गवर्नमेंट चाहती तो अभी तक मेरे ख्याल से 5-7-8 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग सकती थी, वो भी लग के तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ लापरवाही तो हो ही रही ना। आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? बस कुछ नहीं, मैं सब सब मरने की तैयारी पे है और कुछ नहीं, हम लोगों के पास तो कुछ बचा ही नहीं है। हमारे यहाँ पे जो आदमी आ रहे हैं उनको ये बोलते भैया आधी सैलरी पे घर बैठ जा, फिर वो घर बैठे सैलरी दे देंगे, तो वो भी नहीं मानते हो, क्या करेंगे हम भी? कोई रस्ता नहीं, अपनी फैमिली लगी है, काम लगा है, चिंता है। बच्चे की पढ़ाई के अंदर में मैडम इमीडिएट बोल रहे हैं आज की आज 8 महीने की फीस भर दो। हमने कैसे तैसे करके सब बच्चों की फीस भर दिया, 4 दिन स्कूल गए, 5वें दिन बंद हो गए। एक आदमी ने भी फीस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर आ गया उसके अंदर में स्कूल वाले ने रुकने का भी नाम नहीं लिया, नहीं बोले आपको तो फीस इमीडिएट भरना पड़ेगा, नहीं भरेंगे तो आज से आपका खत्म नाम। अच्छा, वो तो हमारे को तो बोलते नहीं, घर वालों को बोलते हैं, घर वाले टेंशन में आ जाते, आज ही भर दो। आम लोगों का मरना ही है, मतलब देख लो दुकान, देखो उन्होंने पूरी खाली पड़ी है, कुछ नहीं है। जैसा कि आपने देखा है जिस शॉप में हम लोग आए हैं वहाँ पे पूरी तरीके से शॉप पूरी खाली है, कस्टमर एक भी नहीं है, व्यापारी लोग पूरी तरीके से परेशान हैं कि लॉकडाउन तो लगा लिया सैटरडे संडे को, लेकिन जिस दिन खास करके उनकी बिक्री होती है, उनके उनके धंधे का दिन रहता है सैटरडे और संडे, उसी दिन उन्होंने लॉकडाउन किया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट के लोग, शॉप्स वाले और आम जनता भी परेशान है इस वजह से। अभी जो लॉकडाउन लगा है वो कितना प्रतिशत सही है या गलत है, क्या कहना चाहेंगे, कितना प्रतिशत आप सहयोग कर? मेरे ख्याल से इस समय तो लॉकडाउन लगाने की कोई कंडीशन या कोई ऐसी वजह थी नहीं कि लॉकडाउन लगाया जाए करके। अब जैसा है फैसला दयाशंकर तिवारी जी ने लिया है नागपुर के मेयर होने के नाते, कि उनको ऐसा लगा है कि कोरोना काल में ये सब चीज़ें करना चाहिए, तो उनके हिसाब से कुछ अमाउंट तक के ठीक है, लेकिन सैटरडे संडे जैसा बोला जाए तो सैटरडे संडे ही मार्केट रहता है, सैटरडे संडे ही मार्केट रहता है ज़्यादा, और वही कंडीशन में जो मार्केट रहता है वहाँ ग्राहकी रहती है और सैटरडे संडे में ही उतनी भीड़ रहती है, बाकी हफ्ता भर देखा जाए तो यहाँ सिर्फ बैठे रहते हैं लोग, और उनके पास में अगर अमाउंट पैसा नहीं आएगा तो हमारा मार्केट कैसा ऊपर बढ़ेगा।
मार्केट से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। यहाँ पे ज्वेलरी की दुकान वाले हैं भैया, उनसे जानते हैं। बताइए सर, आपका कितना प्रतिशत तक सहयोग है ये लॉकडाउन में? लॉकडाउन में 2 दिन तो हमने बंद किया है, 15 दिन से मार्केट बहुत ही स्लैक हो गया है, और जो कोरोना की लहर थे काफ़ी लोगों को इफेक्ट पड़ा है उस चीज़ का। सरकार से कोई शिकायत नहीं, जो वो अपना काम करते हैं अपन अपना काम करते हैं। कस्टमर्स आ रहे हैं क्या आपके पास? कस्टमर थोड़े थोड़े आ रहे हैं, शादियों का जो सीज़न है ना वही अटेंड कर रहे हैं बस। जैसे कि आपने देखा है जिस शॉप में हम लोग आए थे बर्डी मार्केट में, वहाँ पर पूरी मार्केट और शॉप पूरी तरीके से खाली पड़ी है। सैटरडे और संडे के लॉकडाउन के बाद में हर एक शॉप और कारोबारी लोग नर्वस है, वो लोग नहीं चाहते कि सैटरडे संडे को लॉकडाउन किया जाए क्योंकि उनका बहुत भारी तरीके से नुकसान हो रहा है। मैं सोनिका और आप देख रहे थे तत्काल न्यूज़ लाइव। तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।